तन्नू शांत हो जाओ ना बाबा, क्यों रो रहे हो? यार अब क्यों आए हो मेरे पास? मत आओ मेरे पास। जब मेरे पेट में बेबी था तब तो आप थे नहीं यहाँ पर, जब केयर करनी चाहिए थी जब आपने की नहीं। सॉरी ना, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने नहीं केयर करी, सॉरी बोल तो रहा हूँ। शांत हो जाओ ना, इतनी देर से रो रहे हो। पर अब क्या फायदा है केयर करने का? वो तो इस दुनिया में नहीं रहा ना। पर बट वो नहीं रहा तो दूसरा भी तो हो सकता है ना। इतना आसान नहीं है। होगा, डॉक्टर से बात करी थी मैंने। डॉक्टर से पहले भी बात की थी, उन्होंने ये भी बोला था कि केयर की जरूरत है। जब तुमको दिखाई नहीं दिया तो तो आप जानते हो ना मेरी मजबूरी थी बाहर जाने। क्या करूं? तो मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। मानता हूँ आसान नहीं है ये सब, बट प्लीज रो मत यार, प्लीज। जाओ यार, इधर आओ, मेरे पास आओ। सब नहीं लोग, आना मेरे को। हाँ बाबा विंडो खुली हुई है, सब लोग सुन रहे होंगे। तो बोल रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। अब तो ऐसे रोगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ ना। यार तो हो जाएगा ना सब, मतलब क्या हो जाएगा? इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है बेबी, ऐसा थोड़ी ना तो बेबी नहीं होगा, हो सकता है। तुम्हें पता भी है मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी कि कब बेबी होगा, हम लोग उसको अपने हाथ में लेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों के नसीब में नहीं लिखा था फर्स्ट टाइम में, तो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम लिखा है हम लोग के नसीब में, तो इग्नोर नेक्स्ट करो टाइम भी ना। तुम्हारा ऑफिस का कुछ ना कुछ काम हो जाएगा और तुम चले जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा, सच में, आई प्रॉमिस, सच में नहीं जाऊंगा। देखो प्लीज अभी जाओ यहाँ से। बाबा प्लीज ऐसे मत बात करो मेरे से। इधर आओ, मेरे पास आओ। मुझे नहीं आना है। नहीं डॉक्टर ने क्या बोला था? मिसकैरेज कुछ बोल रहे थे वो। क्या बोला? यही कि बेबी की ठीक से केयर नहीं हो पाई। तो फिर तुमने क्या जब बोला? तो पेन हो रहा था तब कोई था नहीं मेरे पास जिसे मैं कुछ बता पाती। तुम्हारे को फोन भी कितनी बार ट्राई किया था। है तो ऑफिस का काम था, सारे लोग गए थे, तो नहीं ध्यान दे पाया। हाँ तो ठीक है ना, जाओ अपना ऑफिस का काम संभालो। बाहर में जाओ ऑफिस, पहले इधर आओ। मुझे नहीं आना। प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज मत रुलाओ मेरे को। तनु क्या है विक्कू? मत रो ना, मेरे को भी रिला रहे हो, तुम भी रो रहे हो। बोल रही हूँ ना, यहाँ से जाओ।
मैं चला जाऊंगा, बट हम दोनों को भी बहुत टाइम साथ रहना एक दूसरे को, जानते हो ना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप जाओ यहाँ से। ऐसे बोलो सिम, ऐसे बोलोगे मेरे से जैसे कि मैं कोई लगता ही नहीं हूँ आपका, जैसे कि मैं आपकी केयर ही नहीं करता। नहीं करते हो, करते तो ये नहीं होता। तो इसका मतलब क्या मेरी वजह से हुआ है सब कुछ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सब कुछ आपकी वजह से होगा, आपका मतलब तो बट हाँ आपकी गलती है इसमें कि जिस वक्त आपको मेरे साथ रहना चाहिए था, आप लास्ट 2 मंथ से मेरे साथ नहीं हो। ऊपर से कभी फोन करो तो या तो ऑफिस के काम में बिजी या फिर उठाते नहीं थे। आपको हॉस्पिटल में चला जाना चाहिए था ना, नर्स के पास। हाँ मैं इस हालत में अकेले जाती ना, आपके पास या फिर नंबर, मम्मी को परेशान करती कि मेरे साथ चलो। मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक रहती ना, तुमको खुद को समझ में नहीं आता है क्या? आता है बाबा, फर्स्ट टाइम था इस वजह से मेरे को लगा अच्छे से ठीक फर्स्ट से। टाइम था इसीलिए तो आपको ज्यादा केयर करनी चाहिए थी नाविक को। नहीं कर पाया उसके लिए, सॉरी। बट ऐसे मुंह लटकाना और ऐसे गुस्सा करना, लोगों को सुनाना, लोगों को क्या सोचेंगे सारे लोग? मैं किसी को नहीं सुना रही हूँ, इतनी देर से, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, सारे लोग सुन ही रहे हैं। मुझे किसी को कुछ नहीं सुनाना है, आप जाओ यहाँ से। मेरे को क्यों बार बार भगा रहे हो गया ना, एक बार बोल दिया, बार बार बोलना जरूरी है? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं नहीं लगता तुम्हारा, मैं हस्बैंड नहीं हूँ तुम्हारा, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो? बताओ, मैंने कुछ बोला उसके बारे में? कुछ बताओ तो। ये मतलब नहीं होता है कि मैं प्यार नहीं करती हूँ। यही मतलब हुआ? लेकिन अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। ऐसा रहो तुम, ऐसा रहो। यहाँ पर बैठो, रोना टॉवेल का है, आंसू पोछू पहले आपके। इधर देखो, गुस्सा मत करो। तनु, वो यार मुझसे नहीं हो रहा। बाबा, हम लोगों की किस्मत में नहीं लिखा था ना, अब क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो? जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। क्यों बार बार उसको याद करके रो रहे हो? हम ही लोगों के साथ थोड़ी ना हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। फर्स्ट टाइम नहीं केयर कर पाता कोई इंसान, नहीं साथ में रह पाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी गलती हस्बैंड की है, कि उसकी वजह से हुआ है, या सारी गलती है वाइफ की है। ऊपर वाले ने भी नहीं साथ दिया हम दोनों का। अब कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे ही मुंह लटकाए के बैठोगे? क्या बोलूं यार, फोन नहीं थे मेरे पास तो मेरा सारा टाइम उसी के साथ था। अब मैं हार गया हूँ ना, अब मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस।
सच में तन्नू बाबा, सच में नहीं जाऊंगा अब कहीं। एक बार तो चांस दो ना, अब अभी नहीं, 4 या 5 मंथ्स के बाद। तो मुझे भी टाइम लगेगा पहले जैसे नॉर्मल होने में, इतना आसान नहीं है। हाँ तो हाँ, नॉर्मल अब हो जाओगे 5-6 मंथ के बाद। पानी पीना है? पी नहीं लो। अम्मा तो बोल यार, ऐसा मत बोला करो, मेरे से बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मैं कुछ। कल क्या बोल रहे थे तुम रात में कि मेरे को डिवोर्स चाहिए? बोला ऐसी हालत में तुमको छोड़ूंगा? दिमाग खराब है? तुम उस वक्त जो ठीक लगा मैंने बोला। तो अब अभी भी चाहते हो कि मैं डिवोर्स दूं? या आप डिवोर्स दो मेरे को? नहीं, मैं रात को भी नहीं चाहती थी, बट गुस्से में बोल दिया यार। ठीक है, शांत रहो, रुको मैं पानी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। फिर नहीं, मुझे नहीं पीना। शांत सो ना, क्यों पुरानी बात, चुप रहो, मैं लेके आ रहा हूँ पानी, तो हम लोग पीते हैं, वरना फिर अभी हम लोग को नीचे भी चलना है, मम्मी पापा बुला रहे थे, बात करनी है उनको हम दोनों से कुछ। मुझे नहीं जाना है। पापा बात करनी यार उन दोनों को, हम लोगों से तो जाना पड़ेगा ना। नॉर्मल हो जाओ प्लीज, मत करो गुस्सा, मत रो। मैं फेस नहीं कर पाऊंगी यार। मैं तो इसमें फेस करने वाली क्या बात है? नहीं होगा मेरे से। मैं क्यों नहीं होगा? बोलो ना, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा यार। वो भी बहुत खुश थे बेबी को लेकर। तो जितना आप बोलते हो उतना वो भी खुश थे, जितना आप परेशान हो वो भी परेशान है। जब अपना कुछ भी शेयर करोगे ना मम्मी पापा को, मन हल्का हो जाएगा। वो भी यही बोल रहे थे, विकू चाहो तन्नू को समझाओ जाके, जब देखो रो रही है वो। अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार भी हो सकता है। इस बार मम्मा नहीं बन पाए तो अगली बार मम्मा बन जाओगे। पापा प्लीज यार, चलो नीचे चलो, काफी टाइम हो रहा है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। पहले आंसू पोछो। चलो। ये तो इसको तो चेंज कर लो, सलवार सूट तो पहन लो। ऐसे चलोगे? करके आता हूँ यहीं करो। बिल्कुल, प्लीज यार। मैं हेल्प कर दे तो मैं केयर कर रहा हूँ ना बाप की। नहीं रहने दो, मैं जाती हूँ। कर क्या हो? सारी गलती मेरी है जो मैं इसके साथ नहीं रहा। जैसे 6.5 मंथ हुए वैसे ही मैं इसको छोड़ के चला गया।
क्यों गया यार, मैं बहुत रो रही थी वो, मैं भी बहुत रोया। क्यों छोड़ा मैंने इसको, मैं समझा भी रहा हूँ मैं तन्नू को, बट वो नहीं समझ रही है। इस टाइम मतलब इस ईयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है जब ये नॉर्मल होगी। पता नहीं मेरी बात को कैसे मानेगी है। चले। आ गए, बैठो उतर पहले थोड़ी देर। इधर बैठो ना, बोलो। इधर बैठो। अब शांत हो जाओ, मम्मी पापा से गुस्से होके मत बात करना, गुस्सा करके। ठीक है। बाबा फिर से रोने लगे तुम, याद आ रही है उसकी। बहुत अब जो इंसान चला गया तो उसके बारे में नहीं हम लोगों के, वो इंसान था किस्मत में, और अच्छा मिल जाएगा कोई, और अच्छा आ जाएगा। चलो। पानी पियो पहले, फिर चलते हैं नीचे। तुमने कुछ नहीं खाया ना कल से? खाना नहीं। खाओ पहले, रुको मैं खाना लेके आ रहा हूँ। को भूख नहीं है। खा लो ना तन्नू, नहीं खाओगे तो और फिर प्रॉब्लम होगी, और वीकनेस हो जाएगी। वैसे भी इतना बड़ा सब कुछ हो गया है आपके साथ। चलने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ठीक हूँ। अब ये भी नहीं बताओगे मेरे को? आपके दिमाग अब क्या है यार, तुमको ये तो नहीं लग रहा है कि विकू सिर्फ मेरे को यूज करने के लिए शादी करी है? नहीं लग तो यही रहा है, आपके माइंड पे यही चल रहा है। किसी ने आपको बोला है ना? जरा हक करो मेरे को। सॉरी तन्नू, प्लीज मान जा यार। तन्नू ठीक ऐसे ही रहो थोड़ी देर पहले, तन्नू दोनों की गलती है ना, तो फिर एक दूसरे के ऊपर क्यों ब्लेम डाल रहे हो? अब भूल जाओ उसको जो अपनी लाइफ में नहीं लिखा था, ठीक है? ठीक है। चलो अब शांत रहो। थोड़ा सा हंसो। तनो मैं मान तो नहीं हंस पाओगे ऐसी सिचुएशन में, बट हंसना तो पड़ेगा ना। अभी हम लोग की बहुत लाइफ है, एक नहीं तीन तीन हो जाएंगे। तन्नो फिर से ऐसे उदास हो गए?
नहीं बट ऐसे रोना मत यार मम्मी पापा के सामने, अच्छा नहीं लगेगा उनको। ठीक चले। चाहिए। हाँ।